पापा थोड़े से पैसे मिल सकते? चुप, पैसे इतने गाफिल कैसे हो सकते हैं आप दोनों? चुप ताई गया कहाँ है? वो आ गए मामा। कहाँ गए थे? मार्केट तक गया था, वो गाड़ी खराब हो गई मेरी। चलो टैक्सी में चले जाएंगे। नहीं आपा, मैंने कहीं नहीं जाना, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हारा देख रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा का पूरा घर बगावत पे उतर आया है। देखो सवेरा, तुम अचानक अब घर के हर फर्द को कठपुतली समझने लगी हो यार, जिसकी डोर अपने हाथ में रखना चाहती हो, ये मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। मामा क्या हो गया आपको? भाई भी बाहर चले जाएंगे, मामा जी भी कहीं भाग जाएंगे, जिस घर को आप घर समझती हो घर नहीं रहेगा। कम से कम बताएं तो सही, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आपने कभी भी किसी से ऐसी बातें नहीं की, क्या हो गया मामा? फ्रेडी मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मैंने एहसान साहब के घर का माहौल देखा है और सनम की हरकतें भी देखी हैं, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने घर का माहौल फिल्मी नहीं बनने दूंगी। क्या फिल्मी शिल्मी यार, अच्छी भली लड़की है सनम, और देखो और फिर फिल्मों में उसका जो डांस। हाँ हाँ जानती हूँ, आप उसके डांस में मर मिटे हैं ना, लेकिन खुद सोचें, अगर सनम की चुगताई से शादी होती है, उनकी बेटी होती है जो फिल्मों में डांस करती है और लोग आशिक होकर उस पे पैसे निछावर करते हैं, बर्दाश्त होगा? यार आप भी ना, ये बात यहाँ करने वाली नहीं थी। अच्छा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे घर का माहौल ऐसा फिल्मी हो। सनम को देख के दानिया भी शह लेगी, यही हरकतें करेगी। हमारी तरबियत तो आपने की है ना मामा, मगर हम आप जैसे नहीं है, ना आप जैसा सोच सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के फैमिली को बुरा समझ सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि दानिया को इस सब से डील करना पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चला जाऊं। Hmm?